हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट, यहाँ पे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड सेट फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के मैंने 60 क्वेश्चन लगभग लिए हैं। तो आपको सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन कराएंगे, फिर जीके के, फिर रीजनिंग के, फिर और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, पूरा पेपर देख लीजिए आप लोग कैसा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है आपका सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुँचता है कितने सेकंड में पहुंचता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा बताइए जरा। तो जो 500 सेकंड में, ठीक है। चलो अगला दिया गया है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था प्रकाश की प्रकृति जो आपकी तरंग भी होती है और कण, मतलब दोनों प्रकृति का होता है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और प्रकाश आपका अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य, ठीक है, अनुप्रस्थ होता है। पेपर में पूछा जाता है कि ध्वनि कौन सी तरंग दैर्ध्य होती है। तो आपकी ध्वनि आपकी अनुधैर्ध्य होती है। ध्वनि में भी धारा है आधा धा और अंधार में भी आधा धा, तो इस पैटर्न से पढ़ लेना। ध्वनि अंधैर्ध्य होती है और प्रकाश आपका कण एवं तरंग दोनों प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में से कौन से युग में प्रकाश की प्रकृति के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक वैज्ञानिकों के बारे में गलत है। 287 नंबर प्रश्न, देखते हैं जरा क्या होगा। विद्युत चुंबकीय प्रकृति के सिद्धांत जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सुना होगा, सही है। तरंग प्रकृति के सिद्धांत हाइगन ने दिया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखा है क्वांटम प्रकृति के सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया, बिल्कुल सही है। और द्वैत प्रकृति के सिद्धांत मैक्स प्लैंक, यहाँ पे जो 287 का जो डी ऑप्शन है यही गलत है, ठीक है। द्वैत कणिका प्रकृति का जो सिद्धांत है न्यूटन ने दिया था, वो सही है, डी पार्ट में गलती थी। अगला दिया गया, यहाँ पे दिया गया आपका ये सही है, न्यूटन होगा, ठीक है। इसमें प्रकाश की वाला राइट ऑप्शन था वैसे। प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत जी डी ब्रोगली ने, जो प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया था। तो बताइए क्या होगा, तो द्वैत प्रकृति के सिद्धांत हो जाएगा। अगला दिया गया, परावर्तक के रूप में परवैलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका रीजन बताइए। तो क्योंकि उसमें फोकस नज़दीक होता है, ठीक है, फोकस नज़दीक बनाता है। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा जो होता है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। आपका जैसे कि पूर्णांतिक परतन के कारण जो है हीरा आपका चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। वो 290 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। जैसे कि देखो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है, ये चीज़ याद रखना। और आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब अधिक होता है तो भी आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो आवश्यक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ए और बी दोनों हो जाएगा, याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाने का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके कारण जो है आपके तारे वो टिमटिमाते हैं, राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। रेगिस्तान में मृग तृष्णा जो मिर्ज होता है मरीचिका कहा जाता है, किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है, तो आपका दिखाई देता है द्वि अपवर्तन या अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। चलो द्वि अपवर्तन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया, लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी के वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखाई देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा काला। मान लीजिए लाल कपड़ा, उसमें यदि वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जा रहा है, मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए तो वह काला दिखाई देगा। अगला दिया गया, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है, वायु से पानी में जाती है तो क्या होता है, 295 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, अवलंब की ओर झुक जाती है। वायु से पानी में झुक जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अगला दिया गया, पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है या किस प्रक्रिया के कारण होता है, पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला वह चमकता है या किस प्रक्रिया के कारण होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण आंतरिक। देखो, चमकना जो होता है वो चमकना आपका अधिकतर होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, जैसे कि हीरे का चमकना, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से होता है। और बुलबुले का चमकना जो होता है, चमकना से रिलेटेड जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला दिया गया, दो समांतर दर्पणों के बीच देखे जा सकने वाली प्रतिबिंबों संख्या कितनी होती है, दो समांतर दर्पणों के बीच में, तो आपको ये पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था, तो उसमें अनंत होती हैं भाई, अनंत होती हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते, इन्फिनाइट अनंत होती हैं भाई, ठीक है। अगला दिया गया, एक मिनट, चलो देखते हैं। दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं,
एक विद्युत बल्ब रखा जाएगा तो बने हुए प्रतिबंधक संख्या पूछी गई। तो बने हुए प्रतिबंधक संख्या बराबर होती है 307/थीटा होता है। आप लोग केवल यही सूत्र लगाना, ठीक है, तब हम लोगों को एक ट्रिक बता रहे, 307/थीटा, थीटा का मान कितना दिया 60 आया। छः आंसर, जब प्रतिबंधक संख्या सम आती है तो -1 कर दिया करो, तो 5 राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब सम आए तो -1 कर देना सीधा, और विषम आए तो -1 नहीं करना रहता, ठीक है, विषम में कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ 5। आप लोग ध्यान रखना, बहुत लोग सूत्र ऐसे लगाते हैं 307/थीटा -1 पहले ही लगाने लगते हैं, ऐसे मत लगाया करो, ये लगा लो 307/थीटा, अगर सम आता है जैसे 6 आया था तो -1 कर देना, अब तब 5 आएगा, लेकिन अगर 7 आ रहा तब -1 मत करना, ठीक है। लेकिन सूत्र आप लोग 307/थीटा ही लगाना, तभी सही रहेगा, ऐसे लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा पता कि आंसर क्या आएगा, सम आए कि विषम आएगा, इसलिए यही वाला सूत्र 307/थीटा क्यों लगाना, सम आए तो घटा देना, एक ना आए तो भाई ना घटाना, ठीक है। 297 का राइट ऑप्शन हो जाए। अगला दिया गया, यहाँ पे दिया गया 2 समतल दर्पण 60, ये तो हो गया। अगला दिया गया, मान लीजिए एक समतल दर्पण 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी ओर गति कर रहा, तो आपका प्रतिबिंब किस गति की ओर जाए आएगा। तो राइट ऑप्शन का क्या बनेगा, चलिए तो इसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है, कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। तो पहला आपका दिया है, प्रकाश के अपवर्तन का डूबता हुआ सूर्य जो होता है दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता, सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण डूबता हुआ सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई दिखता है, अपवर्तन कारण, सही है। और लिखा है, प्रकाश के अपवर्तन कारण डूबते और उगते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता, बिल्कुल सही, प्रकाश की विकिरण की वजह से। और प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश का रंग नीला होता, बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है, इनमें कौन सा कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं भाई, सब सही है, मतलब कथन तो आपको यही लगाना पड़ेगा मजबूरी में कि इनमें से कोई नहीं है गलत, कोई नहीं भाई, सीधी बात है। चलो अगला देख लेते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से, अभी यहाँ पे आपको जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रीजनिंग, तो थोड़ा आराम से रुकिए आराम से देखिएगा, पेपर आपके नज़दीक है, ठीक है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया अपवर्तन के कारण नहीं होती है, 301 नंबर है। देखो, पानी में डूबी हुई छड़ का सतह पर मुड़ी होना अपवर्तन होता है, पानी में भरी हुई बाल्टी के पैदा मतलब पेंदा जो उठा हुआ दिखाई देता है वो भी आपका क्या होता है कि अपवर्तन होता है। और लिखा कि आकाश में तारों की अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई देना वो अपवर्तन होता है, दिन की लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से अधिक प्रतीत होना। देखो, प्रतीत होना कुछ ये जो होती चीज़ें प्रतीत हो या उभरी हो या दिखाई दे अलग से थोड़ा, तो आपकी अपवर्तन होती है। लेकिन यहाँ पर लिखा हीरे के चमकदार, अभी आपको बताया था पूरा आंतरिक अपवर्तन, तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक अपवर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डी ऑप्शन राइट। अभी पूछा गया था ना अपवर्तन कारण नहीं हो सकती, तो अपवर्तन कारण ये नहीं होती हीरे का चमकना, क्योंकि वो होती पूर्ण आंतरिक अपवर्तन की वजह से। हीरे का चमकना जो होता है पूर्ण आंतरिक अपवर्तन से रिलेटेड है, और जो उभरा हो या कुछ वास्तविक ऊंचाई से कुछ अलग हो या कुछ अलग दिखता है, ठीक है, उभरा टाइप का, तो वो होता है अपवर्तन की वजह से, ठीक है। 301 का वैसे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया, पेरिस्कोप के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, 302 नंबर दिया गया है। चलो दिया गया 302 नंबर है, राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तन। पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है परिवर्तन पे। एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो छोटे छोटे दर्पणों का आकार उसके आकार का होना चाहिए, 303 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आधा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट। अगला देख लेते हैं, चलो भाई आप बात करते जीके के कुछ प्रश्नों को, ठीक है, चलो स्टार्ट करते जल्दी देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। लिखा है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। अगला दिया, भारत का आखिरी मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर कर लेना जफर, ठीक है। अगला दिया गया, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, विश्व की अगर पूछता तो श्री माओ भंडार नाइक है, लेकिन भारत की इंदिरा गांधी। अगला दिया गया, तीसरे का डी ऑप्शन। अगला दिया गया, कुचिपुड़ी कहाँ का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रजातंत्र जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। जनता की सरकार भाई जनता के लिए है, वो जनता के द्वारा किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने। सर, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, चलो आप लोग कमेंट बताना, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आप लोग कमेंट बताना। सातवें का, आठवां नंबर दिया गया, प्रधानमंत्री पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है, आठवां नंबर दिया गया, तो आपकी 25 होती है प्रधानमंत्री के लिए। वर्ष 2022 में बर्गिम राष्ट्रमंडल खेलों में किन खेलों को शामिल किया जाएगा, बताइए। नवे का राइट ऑप्शन कहाँ होगा, क्या होगा, राष्ट्रमंडल खेल जो है वो बर्गियम में खेले जाएंगे 2022 का, ठीक है। और किन खेल को शामिल किया गया है, तो वो उसमें सब हैं, जैसे कि बीच वॉलीबॉल, पैरा टेबल टेनिस, महिला T20 क्रिकेट, सब कुछ है,
ठीक है। अगला दिया गया है 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो हो जाएगा कतर दोहा में। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो व्लादिमीर पुतिन है। और भारत की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन होता है, तो वो तो आपका कहाँ गया, एक मिनट राष्ट्रपति कहाँ गया, राष्ट्रपति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कतर दोहा इसको याद कर लेना, कतर की राजधानी दोहा, दोहा भाई कतर की राजधानी है, ठीक है। 2022 का फुटबॉल कहाँ होगा, कतर दोहा में। अगला दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन ये है 11 का C 12 का D, ठीक है, 11 का C 12 का D। अगला दिया 13 नंबर है, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। 14 नंबर दिया गया है, कौन सी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, 14 नंबर का सी ऑप्शन मोहम्मद तुगलक। दूसरे विश्व युद्ध में इटली का नेतृत्व किसने किया था, इटली का नेतृत्व किसने किया था, तो मुसोलिनी ने किया था। श्रमिक दिवस जो लेबर डे होता है 1 मई को, श्रमिक दिवस मजदूर दिवस मनाया जाता है आपका 16 का C ऑप्शन 1 मई को। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 552 कह सकते हो, अधिकतम होती 552। अगला दिया, वह एकमात्र कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, 18वें का राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा आपका, 1924 बेलगांव में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सबको पता हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनकी समाधि स्थल महाप्रयाण घाट थी। अगला दिया गया, भारत किस दिन संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य बना, 20 नंबर का यहाँ पे जो बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, जब आपका गणराज्य गणतंत्र हुआ था जब देश, ठीक है। अगला दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है, हिंदी में पढ़ा होगा, साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पंचशील सिद्धांत पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो 22 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 1954 में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, बताइए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 23 नंबर का राइट ऑप्शन डी पार्ट 1962। चलो भाई बात करते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनों की, ठीक है। लिखा है आपका प्रश्न, आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा, इनको जोड़ के आपको यहाँ आकृति बतानी कौन सी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनेगा, 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आपके यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको यहाँ लगा दिया गया और इसको यहाँ लगा दिया गया और ये दोनों को इधर लगा दिया गया है और ये जो लास्ट आकृति इधर लगा दी, समझ गया वो, थोड़ा बहुत देख लेना, यही राइट ऑप्शन है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया, यहाँ पे लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि रीजनिंग आपके 10 मार्क्स की पूछी आती है। लिखा है कि कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, तो ध्यान से देख लीजिएगा भाई, देखो इसमें देखो ऐसे ये दिख रहा होगा, ठीक है। सी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है, ठीक है। ठीक है, देख लेना, सी ऑप्शन राइट है और कहीं आकृति आपकी मैच नहीं कर रही है, एक ही आकृति मैच कर रही है। 14 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं बनाया जा सकता है। 14 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, बताइए जरा, तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पेपर कब कदर दिया जाता है, बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर ट्रक है, नहीं बना सकते क्योंकि ट्रक में लिखा है के और कंस्ट्रक्शन में कहीं के लगा नहीं, तो भैया क्यों बना सकते, मतलब क्यों नहीं, मतलब कहे बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। 13 का जो सी ऑप्शन है नहीं बना सकते, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन है पढ़ लेना, के है क्योंकि नहीं बना सकते। अगला दिया गया है यहाँ पर 15 नंबर है, देखो 15 नंबर है ऐसा क्वेश्चन, ये वाला ये मत पढ़ना इधर इसको, ठीक है। कथन पढ़ो और निष्कर्ष, कथन के हिसाब से निष्कर्ष निकालो और फिर बताओ कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है, अपने हिसाब से मत सोचना केवल। लिखा कि अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामकरण निजी स्कूल में करा रहे हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब निष्कर्ष यहाँ से निकाला गया आपका, देखो निष्कर्ष यहाँ से निकाल, यहाँ पे निष्कर्ष आपका निकाला गया कि सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, थोड़ी गंभीर प्रयास करना चाहिए, ठीक है, कि वो बेहतर बन सके वो भी स्कूल, ठीक है। सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद करा देना, ऐसी बात नहीं भाई, क्यों बंद करोगे, पहला ऐसा ही है, बंद कराने वाली कोई बात नहीं की गई है, पहला ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया 16 नंबर दिया गया भाई कि यहाँ पे दिया गया कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो सबसे पहली बात तो ये गोला है, तो ये थोड़ा आपका इस टाइप का आयत टाइप का, ये यहीं बनेगा आयत टाइप का,
और एक लाइन ऐसे रहेगी, देखिए कहाँ पे होगा। सिंपल ये छोटा सा ऐसे ये बनना है, तो यहाँ कहीं नहीं बनेगा, केवल छोटा सा ये था और आयत बनेगा। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही, अगला देखते हैं भाई। 17 नंबर से 19 नंबर दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। 17 नंबर बताइए क्या होगा, 17 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो 17 का आपका सेमिनार अलग है, सेमी कॉलन, सेमी सर्कल, सेमी टोन आपके अलग एक ही ग्रुप से रिलेटेड है, और सेमिनार आपका अलग होता है, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला दिया गया, यहाँ पे दिया गया डी जी एफ ई और जे एम एल के और आर टी एस यू क्यू ओ आर क्यू पी। देखो इसका थोड़ा अलग रूल है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो इन दोनों के बीच को गैप निकालो, शायद इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। डी के बाद में क्या आता है, ई एफ, दो का गैप हुआ, मान के चलो। जे के बाद में क्या आता है, जे के एल, दो का गैप हुआ। आर के बाद में क्या आता है, एस फिफ्टी, तो इसमें एक ही गैप हुआ। ओ के बाद में क्या आता है, ओ पी क्यू, तब आर आता है। तो समझ गए कि इसमें केवल एस का गैप है। इन सब में क्या था कि इन दोनों के बीच में शुरुआत के दो अक्षर देख लो भाई, चारों देखने कोई जरूरत नहीं है। इनके अक्षर के दो का गैप था, लेकिन इसमें आर के बाद में एस आता है, केवल एक का गैप था। तो मेरे हिसाब से 18 का सी ऑप्शन आराम से है, ठीक है। और हाँ, आप लोग इन दोनों का केवल दो दो गैप देख लिया करो, चारों को मत देखा करो, ठीक है। दो दो गैप देख लो भाई, आ जाएगा राइट ऑप्शन, टाइम मत लगाइएगा। नोट निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करिएगा। 27, 37, 39, 15 19 नंबर छोटा सा पर थोड़ा अलग है, तीन से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, लेकिन 37 अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटेगी। तो चलो ये प्रश्न आपका दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। उसी कूट भाषा में स्टेबल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा, तो एल ई ए डी ई आर लीडर को लिखा है, ओ बी ए डी एच ओ, ध्यान समझिएगा, ठीक। ये थोड़ा अलग सिंपल प्रश्न है, देख लो बस एक बार। एल से देखो, एल का इन्होंने ओ दिया गया है, एल आता 12 में, ओ आता 15 में, प्लस 3 हुआ। अब लेकिन ई से एच हुआ, ठीक है। ये प्लस ऐसे चल रहा है दोस्तों किनारे से, ठीक है, तो प्लस 3 हुआ। और ए से आपका डी हुआ, तो ए एक में, डी 4 में, तो प्लस 3 हुआ। अब यहाँ पर डी ई आर को क्या किया गया, डी देखो ए ऐसे किया, ई से बी हुआ, मतलब रुकिएगा, ए से डी हुआ तो माइनस 3 हो गया था, और बी से ई माइनस 3, फिर माइनस 3, समझ गए होगा। पहले प्लस 3 हुए, एस का प्लस 3 22 वी आएगा, टी का 20 23 डब्ल्यू आएगा, ए से 4 डी आएगा। इसमें भी डी वी है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, लेकिन राइट ऑप्शन आपका या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बात करते हैं, बचा बी एल ई, बी का आप लोग क्या करोगे, 3 घटाओगे तो वाई आएगा, ठीक है, वाई आएगा। और एल का 3 घटाओगे, 12 में 3 घटाओगे 9, तो आई आएगा। और ई 5 नंबर में आता है, 3 घटाओगे 2 बी आएगा, तो बी आई वी, बी आई वाई डी डब्ल्यू वी। 20 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको दोस्तों आराम से सी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। देखो इसमें ये किया गया था ना, प्लस का 3 कर दिए गए थे, और फिर ये वाले प्लस माइनस के 3 कर दिए गए थे, क्योंकि ये रूल इसमें फॉलो हो रहा था ऊपर वाले में। पहले प्लस 3 बार हुए, फिर माइनस 3 बार हुए। अगला देखते हैं, दी गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमवार क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उससे समूह से पूरा करेगा। देखते जरा, हाँ तो वैसे देखो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ए बी के बाद में दिया गया यहाँ पे डबल डी, चलो डबल डी आ रहा है तो डबल डी यहाँ पे लगा दिया। और डबल डी और ए बी के बाद में सी आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो सी आ रहा, तो ए बी सी डबल डी, और डबल डी के बाद में सी बी ए आ रहा है, सी बी ए बी इधर कर लो, और सी बी ए ए सी बी ए के बाद में क्या आ रहा है, चलो तो देख लीजिए सी सी, और गैप कर दो यहाँ पे, और डी आ रहा है। ये किस ऑप्शन पे राइट ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं। और बी ए के बाद में क्या आना चाहिए, बी ए के बाद में आपका ए आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपके यहाँ पे कौन सा बन रहा है, देखिए जरा, क्योंकि देखिए ए बी चल रहा था ना यहाँ पे, ए बी, तो ए बी यहाँ पे भी ए बी होगा। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों, सिंपल से बन गया आपका, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, 21 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग चार चार करके मत करना, बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, सिंपल है। देखो ए बी के बाद में क्या आना है, सी आ रहा, तो ए बी सी आ गया, ठीक है। और डबल डी के बाद में क्या आना है, सी बी ए आएगा, तो सी बी ए आ गया, बस फिल हो गया लो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, लिखा है आपका नीचे दी गई आकृतियों में से कागज़ को मोड़ने, छेद करने, खोलने के बाद में वो किस उत्तर आकृति जैसा बनेगा या दिखाई देगा। तो 22 का राइट ऑप्शन देखते हैं क्या बनेगा। अच्छा ये बिंदु ऐसे है, तो जब खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, ऊपर साइड भी खुलेगा, तो चारों ओर बिंदी रहेंगे, जो कि यहाँ कहीं नहीं है। राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट है। आपको ये इसका मैथड बता दें,
जो चीज़ आप मतलब एक कागज़ आप लोग मोड़ रहे हैं, तो जब इस जब खोलो कागज़ तो चारों तरफ आपका खुलेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ये चीज़ याद रखना, तभी राइट ऑप्शन बनेगा आपका। अगला दिया गया, घर शयन कक्ष स्नान गृह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कौन है, घर शयन कक्ष और स्नान गृह। 23 नंबर, देखो घर ही के अंदर तो आप लोगों का शयन कक्ष और स्नान गृह होता है, कहाँ पे गया, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन। अब भाई घर, घर के अच्छा घर के अंदर आपका शयन कक्ष होता है, स्नान गृह भी होता है, सी ऑप्शन राइट है भाई, ठीक है। अगला दिया गया, देखो सी ऑप्शन है, वैसे तो यहाँ पे सी फिर ऐसे लगाना पड़ेगा, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ऐसे फिर आए तो ध्यान से सी ऑप्शन होगा। एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण को 10 किलोमीटर चला, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सीधा कर देना है, ठीक है। पहले आप लोग दिशा बता दे रहे, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये होता है पूरब। अब इन्होंने कहा, एक मिनट थोड़ा वैसे थोड़ा कलर ले ले, अब इन्होंने साफ साफ सीधी बात कही है, गणेश अपने घर से निकल के दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, दक्षिण किधर गया, अब यहाँ पे आप खड़े हैं तो फिर दायां किधर, दायां इधर होगा, तो 5 इधर गया, जब इधर गया तो वह पुनः दायां जाता, 10 गया इधर पूरा यहाँ तक, अब अंततः बाएं जाता है, तो बाएं तो आपका इधर होगा, बाएं जाता है वो भी 10 गया। अब यहाँ पे खड़ा है वह अपने सीधे रास्ता चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना होगा, तो यहाँ से चला था और यहीं घर से मान लो निकला था, लिखा भी है घर से निकला था, तो ये तो आपका हो गया दोस्तों 10, एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया 10 और ये ऊपर का भी 5 होगा, जब ये नीचे 5, ये नीचे ऊपर का भी 5, 10 + 5 हो गया 15, तो भाई 15 भाई जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं जाना इनको, साइकिल से भाई 15 किलोमीटर जाना होगा, काफ़ी है, ठीक है, 15 किलोमीटर काफ़ी है, फिर भी 15 किलोमीटर दोस्तों राइट ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। शायद हमने ऐसे चित्र बनाया था, ऐसे 10 ये गया, 5 ये गया, 10 ये गया, ये 10 गया, ये 10 गया, तो भाई यहाँ तक था, अब इसको घर जाना है लौट के, तो 10 ये चला जाएगा और ये 5 था भाई ऊपर वाला भी, जब ये 5 था तो ये भी 5 होगा, तो 10 + 5 = 15 भाई, राइट ऑप्शन ये दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और हाँ सार सर क्वेश्चन काफ़ी प्ले लिस्ट मैंने करा दी, तो आप लोग प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, इंडियन कोड गार्ड सेट है, GK साइंस रीजनिंग इंग्लिश मैथ सब कुछ मैंने कराया, किसी को प्ले लिस्ट चाहिए तो बता दीजिएगा, और पेपर के शिफ्ट भी कराएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।